अगर आप इस संकल्प में डट जाएंगे, पक्के मर्द बन जाएंगे, पक्के बन जाएंगे, इस संकल्प को पूरा जीवन में पालन करेंगे, तो जीवन बदल जाएगा। बदलेगा नहीं बदलेगा, बोलो कहां ध्यान है? एक संकल्प से ही जीवन बदल जाएगा, एक संकल्प से जीवन बदल जाएगा। संकल्प है बहुत शक्ति, वैसे वो संकल्प ले लिया उसे, पाप नहीं करेगी, कोई पाप नहीं करेगी, कोई पाप नहीं। ना वाणी से किसी की निंदा करेंगे, ना असत्य का, ये वाणी के पाप हैं, निंदा, चुगली, अपमान, गाली, झूठ, ये वाणी के पाप हैं। किसी की हंसी उड़ाते रहना, ये वाणी के पाप हैं। पराया अन्न खाते रहना, ये वाणी के पाप हैं। व्यवहार रूप में खाना पड़े खा लो, ये वाणी की शक्ति खत्म करते हैं। पराया अन्न भी वाणी की शक्ति खत्म करता है। वाणी में इतनी शक्ति होती है कि आप किसी को श्राप दे सकते हैं, किसी को वरदान दे सकते हैं, लेकिन वह वाणी की शक्ति चली जाती है झूठ से, निंदा से, अपमान से, चुगली से, गाली से। वाणी की शक्ति खत्म होती रहती है, शरीर की शक्ति खत्म होती रहती है दुराचार से। दुराचार क्या है? सदाचार के खिलाफ जो भी बात है वो सब दुराचार है। सदाचार नहीं है जीवन में, दुराचार ही होगा। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना, अमृत वेला मुड़ जाना, ये सदाचार है। तो 8 बजे तक सोना, ये दुराचार है। सदाचार के खिलाफ जो भी चीजें हैं, सदाचार के अपोजिट जो भी बातें हैं, वो सब दुराचार है। तो शरीर का पाप दुराचार है, हिंसा है, चोरी है, किसी की वस्तु ले ली आपने, बिना पूछे किसी की वस्तु ले ली, चोरी हुई। एक स्कूल में हम गए तो बच्चों को ये संकल्प दिलाया कि बिना पूछे किसी की नोटबुक, पेन, पर्स, मोबाइल, कुछ भी नहीं लेंगे, ये संकल्प करो। तो वहां की प्रिंसिपल माता का फोन आया कुछ दिन के बाद, बोले महाराज जी हमारे यहाँ हॉस्टल में चोरी तो लगभग बिल्कुल खत्म हो गई, 1-2% रह गए, नहीं तो रोज शिकायत आती थी, इसकी नोटबुक गुम हो गई, आज कल उसका पेन गुम हो गया, परसों उसका फोन गुम हो गया। ये बच्चों ने बात मान ली, छोटे बच्चों ने बात पकड़ ली, आप तो बड़े बच्चे हैं तो आप भी छात्र, लेकिन थोड़े बड़े बच्चे हैं, ईगो थोड़ा बढ़ाया, ईगो थोड़ा, ईगो लेसनेस बच्चे नहीं है, है तो आप भी छात्र, हमारे छात्राएं बहुत अच्छी है, छात्राएं बहुत अच्छी, आप भी साथ ही छात्रा होगा, आप ही मौसम। मन वचन कर्म से आज से पाप नहीं करेंगे तो पुराना खाता क्लोज हो जाएगा, नया करेंगे नहीं, हो पुराना खत्म, तो चंगा हो जाएगा, और नहीं तो पंगा तो ऑलरेडी हो ही रहा है, एक पंगा थोड़ी। तो जमुना जी से कहा, सुनी भगवान, धर्म भगवान ने, धर्मराज ने, यमराज ने, धर्मराज भी इनका नाम है, यमराज भी इनका नाम है, उन्होंने कहा है कि बहन आज के दिन छूटो, आज के दिन संकल्प कर ले अणु वाले आकर कि आज से अणु मात्र पाप भी नहीं करेंगे, तो फिर मैं अपने लोक से उनका अकाउंट क्लोज कर दूंगा, मैं उनको यमलोक नहीं बुलाऊंगा, थोड़ी बहुत सजा देनी है तो अणु में ही दे दूंगा, किसी को थोड़ा छोटा मोटा सुख देना है लेकिन नरकों का दुख नहीं दूंगा। कितनी बड़ी छूट, बैतरणी का पार नहीं करना पड़ेगा उनको, बैतरणी में नहीं डूबना पड़ेगा, ये छूट दी है मनुष्य को, ये छूट दी है उसको, अपॉर्चुनिटी मिली है, वो निष्पाप हो सकता है, महापुरुष बन सकते हैं, महान नारी बन सकते हैं, इतनी अपॉर्चुनिटी आपको हमको मिली है, ये अवसर आपको हमको मिला है, हम उस अवसर का दुरुपयोग ना करें, उस अवसर का हम दुरुपयोग करते रहें, पाप में लगाते रहें,
बुराई में, निंदा में, चुगली में, छल कपट में, ईर्ष्या में, आपको अच्छा लगता है ईर्ष्या करते हो बार बार? अच्छा लगता है? क्यों करते हो? आज भागवत जी पर यही दक्षिणा चढ़ा दो, ठीक है? आज यही दक्षिणा चढ़ा दो, कुछ ना कुछ दक्षिणा चढ़ानी है तो यही दक्षिणा चढ़ा दो। निंदा वाली, चुगली वाली, ईर्ष्या वाली, पाप वाली, बीड़ी वाली, सिगरेट वाली, यही दक्षिणा चढ़ा दो। कालिंदी को अर्जुन लेकर आए हैं, रथ में बिठाए हैं, द्वारिका लेकर आए हैं और बड़ी धूमधाम से, कहते हैं एक कथा तो ऐसे आती है, सूर्य भगवान भी वहां आए हैं बेटी की शादी में, कन्यादान किया है भगवान को। जैसे ही भगवान ने भगवती कालिंदी का हाथ पकड़ा है, वैसे देवताओं की धुंध भी बजी है, जय जयकार हुआ है, बोलिए कालिंदी रमण भगवान की जय। तो चार विवाह हो गए, रुक्मणी जी, भगवती सत्यभामा जी, जामवती जी और भगवती कालिंदी, ये चार हो गए। एक उज्जैन के राजा थे, वह तो वीरगति को प्राप्त हो गए, उनके पुत्र राज्य करते थे, बिंद अनुबिंद दो भाई थे, उनकी छोटी बहन थी मित्रविंदा जी। भगवती मित्रविंदा जी ने नारद जी से भगवान की कथा सुनकर भगवान को वरण कर लिया था। ध्यान देना, सत्संग सुनने का फल है कि भगवान को वरण कर ले हम। हे नाथ, आज से आप ही मेरे हो, यही जिन जिन ने सुनी, सबने ध्यान से सुनी, सबने ऐसे ही किया। तो मित्रविंदा जी ने भी भगवान को वरण कर लिया, लेकिन उनके भाइयों ने मित्रविंदा जी की सगाई दुर्योधन के साथ कर दी। मित्रविंदा जी ने भगवान को पत्र लिखा, लव लेटर भगवान को मिला, भगवान गए मित्रविंदा जी को ले आए और मित्रविंदा जी के साथ भगवान का ये पंचम विवाह हो रहा है। देवता धुंध भी बजा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, बोली मित्रविंदा रमण भगवान की जय हो। छठा विवाह भगवान का अयोध्या में हुआ है। पहले तो अयोध्या में अवतार लिया था, श्री राम अवतार में अयोध्या में थे, अब यहाँ कौशल देश में ससुराल बनी है उनकी। कौशल देश के राजा है नागनिजित, नागनिजित की बेटी है नागनिजिति, सत्या नाम उसका, लेकिन पिता के नाम पर नागनिजिति है, पिता के नाम पर भी बेटियों का नाम चलता था, उपनाम, जैसे कुंती हो, इसकी कुंती, कुंती का कौंतेय माता पिता के नाम पर, ताकि हर समय उनको याद रहे कि उनकी कीर्ति को मेरे को बढ़ाना है, मैं उनका पुत्र हूं, उनकी कीर्ति को धूमिल नहीं करना, इसलिए माता पिता का नाम संतान के साथ दक्षिण में अभी भी जोड़ते हैं। दक्षिण भारत में ये परंपरा महाराष्ट्र से शुरू हो जाती है, पूरे दक्षिण भारत में पिता का नाम बच्चे के नाम के साथ लिखते हैं। जैसे पिता का नाम छगनलाल है और बेटे का नाम मगनलाल है, तो मगनलाल छगनलाल, मगनलाल छगनलाल कटोच। राम प्यारी श्याम प्यारी कटोच। ऐसे पिता का नाम भी लिखते हैं ताकि बच्चे को हरदम याद रखे कि मेरे को, मैं उनका बेटा हूं और उनकी कीर्ति को मेरे बढ़ाना है, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे उनकी नाक कट जाए। ये तात्पर्य है। तो नागनिजिति भगवती लक्ष्मी का अवतार है, बहुत सुंदर है, इसलिए लक्ष्मी जी का अवतार है तो सुंदर तो होगी। भगवती नागनिजिति को जो देखता है वही राजा कहता, हमको दो हम बहू बनाएंगे, हमको दो हम पत्नी बनाएंगे, हमको दो। अब किस किस को मना करें, राजाओं में लड़ाई हो जाए, क्षत्रियों में बहुत जल्दी लड़ाई हो जाती है, अहंकार होता है, मेरे को मना किया, मेरे को मना कर दिया तो फिर दूसरे के साथ भी विवाह करके देखना, मैं देखता हूं कहां से बरात आती है, अड़ू मैं भी चौहान हूं, क्या समझता है। अच्छा, बेटी ने वरण कर लिया भगवान का, तो राजा ने, नागनिजित ने ऐसी शर्त रख दी, ऐसी कंडीशन रख दी जो अणु में कोई पूरी कर ही ना पाए। क्या शर्त रख दी कि भैया हमने तो एक शर्त रखी है कि बेटी के स्वयंवर में इस सात सांड हैं, इनको जो एक साथ नथ देगा बस उसी से, उसी के गले में बेटी दे माला डाल देंगे। आ जाओ कौन कौन पहलवान हो, सब आ गए महाराज, कितनों को तो बैल ने मार दिया, कितनों के हाथ पैर टूट गए, फ्रैक्चर हो गए, आंख फूट गई, काने हो गए, लंबे लूले हो गए, भाग गए, बड़े जबरदस्त थे, धर्म को कौन नथेगा महाराज,
भगवान को याद किया है नागमती जी ने। भगवान आए हैं स्वयंवर में, एक साथ भगवान ने सात रूप धारण किए हैं और सातों बहनों को एक साथ नथा है, और नागमती ने भगवान के गले में जयमाला डाली है, देवताओं की धुंधली विधि है, जय जयकार हुआ है। बोले नागमती रमण भगवान की जय हो। एक विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ है, एक लक्ष्मणा के साथ हुआ है, ऐसे आठ तो क्रम क्रम से हुए हैं। और एक राजा थे भवासुर ने 16,100 कन्याओं को किडनैप करके कैद कर रखा था, जेल में डाल रखा। वो दुष्ट कहता था जब ये 100,000 हो जाएंगी तब इनके साथ विवाह करूंगा, कहीं कहीं 25,000 की बात भी आती। छोटे छोटे राजा थे, इस पहाड़ी पे किला बना लिया मैं राजा हूं, उस पहाड़ी में मेरे भाई ने किला बना लिया मैं भी राजा हूं, उस पहाड़ी पे कटोज ने बना लिया, वहां चौहान ने बना लिया, वहां परवान ने बना लिया। छोटे छोटे राजा दो दो चार चार गांव के, सबको हरा कर सबका सोना लूट लिया, धन लूट लिया, बेटियां उठा लाया, दुष्ट था। भगवान को पता लगा, उसका मान मर्दन किया और जाकर उन सबको जेल से मुक्त किया और एक एक रथ दिया, एक सैनिक दिए कुछ साथ में चार चार कि जाओ, एक चार का गार्ड दे दिए, जाओ सब अपने अपने घर अपने अपने महलों में जाओ। रथ में नहीं बैठी सारी राजकन्याएं भगवान के चरणों में गिर गई, हाथ जोड़कर कहा नाथ हमको कौन स्वीकार करेगा, क्षत्रियों में हमको कौन स्वीकार करेगा, पुरुष प्रधान समाज है, स्त्री की गलती देखी जाती है, कोई भी कन्या अपनी मर्जी से किसी दुष्ट के पास किसी भवासुर के पास तो जाती नहीं है, इस समाज के भवासुर ही है, वो कन्याओं का शील हरण कर लेते हैं, कन्या तो अपनी मर्जी से सब पाप करेगी तो हमें कौन स्वीकार करेगा, हम निष्पाप हैं इस बात को कौन मानेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए हम सब आपके चरणों में ही समर्पित हैं, आपकी दासियां हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं, क्यों बात कर रहे थे। भगवान ने एक साथ 16,100 रूप बनाए और एक ही मंडप में एक साथ सबसे भगवान पाणि ग्रहण कर रहे हैं, देवता धुंधली बजा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 16,108 देवी भागवत में कथा आती है, भगवान नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए 16,000 अप्सराओं को भेजा था इंद्र ने, तपस्या तो भंग नहीं कर पाई, भगवान पर मोहित हो गई और भगवान से कहा प्रभु हम आपसे वरदान मांगते हैं कि आप ही हमारे पति बने। भगवान ने कहा अभी नहीं, अभी तो हम ब्रह्मचारी हैं इस अवतार में, अगले अवतार में जब द्वापर के अंत में 28 के द्वापर के अंत में कृष्ण अवतार में हम तुमको पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। रूप का अभिमान है इसलिए राक्षस के यहां भी रहना पड़ेगा, तुमको दुख भी पाना पड़ेगा, अभिमानी को तो दुख झेलना ही पड़ता है, अपनी रूप का अभिमान था तो गर्भवास में आना पड़ा और फिर कैद रहना पड़ा राजा के यहाँ। भगवान तो वरदान दे चुके थे, भगवान का दर्शन कर चुकी थी, भगवान की कृपा से उनकी मुक्ति भी हो गई, उद्धार भी हो गया, भगवान की पटरानियां बन गई, साधारण जीव भी भगवान की शरण ले ले तो भगवान उसको अपने जैसा बना देते, अपने जैसा बना देते, हरिजन हरि के समान बन जाता है, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान, साधारण व्यक्ति भी शरण ले ले भगवान, इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु हैं, गरीब निवास हैं, पतित पावन हैं, अधम उदाहरण है, प्रभु की महिमा है इन शास्त्र में, प्रभु की महिमा। तो 16,108 आठ पटरानियां हैं, अष्टधा प्रकृति के वाचक हैं और 16 संख्या समष्टि की है, सारे वैदिक ऋचाओं की है, वैदिक ज्ञान की है, भक्ति कांड की है, उपासना कांड की है। तो व्यष्टि और समष्टि सबके स्वामी परमात्मा है, यह बताने के लिए यह संख्या बताई है, हमारे आपके सबके स्वामी परमात्मा। इसके बाद फिर राजसु यज्ञ किया है, युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान ने जूठन उठाई है उसमें प्रेम के वश में होकर, और जरासंध का मान मर्दन किया है उसके पहले,
28 में जरासंध से भीमसेन की लड़ाई होती रही, भीमसेन जीत नहीं पाता है जरासंध को। भगवान ने कहा ऐसे नहीं मरेगा, इसमें संधि है, बीच में से फाड़ कर इसको अलग करो तब मरेगा। तिनका से इशारा किया है तभी जरासंध का उद्धार किया है। उसके बाद फिर भगवान की लीला हुई है कौरवों का विनाश करना है, तो विनाश कैसे होगा? विनाश तब होगा जब आप जुआ खेलना शुरू कर देंगे, शराब पीना शुरू कर देंगे, तब विनाश होगा। एक कौरवों के पूरे खानदान का विनाश हो गया जुए से, शराब से, सुरापान किया तो यदुवंशियों का विनाश हो गया। भगवान की लीला है वास्तव में तो, लेकिन सुरापान करके दिखाया यदुवंशियों ने कि देखो कैसे ही वंश हो, शराबी आदमी का धीरे धीरे वंश खत्म हो जाता है, जुआ खेलने वाले का वंश खत्म हो जाता है, कैसे ही कुरु वंश जैसे हो, भरत वंश जैसे। वो तो परीक्षित को भगवान ने बचा लिया, नहीं तो वंश ही खत्म था। इसलिए शिक्षा दी है कि इन आसुरी वृत्तियों से दूर रहना चाहिए। पर स्त्री का अपमान, जुए का खेल, सुरा का पान, चोरी जारी, ये मनुष्यों को असुर बना देती है, पशु बुद्धि में ले जाती है, धीरे धीरे असुर बुद्धि में ले जाती है। महाभारत के युद्ध का वर्णन है, सबकी सदगति हुई है, सबका उद्धार किया है भगवान ने, दुष्टों का विनाश किया है, पांडवों ने स्वर्गारोहण किया है, पौंड्रक का वध किया है, शिशुपाल का वध तो पहले ही हो गया है, दंत वक्र शिशुपाल ये पहले जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप थे, वही रावण कुंभकर्ण थे त्रेता में, और वही द्वापर में जाकर शिशुपाल दंतवक्र बने, जय विजय ही उनका उद्धार किया है भगवान ने, वैकुंठ उनको प्रदान किया है। परीक्षित ने कहा महाराज मारकाट की लीलाएं बहुत हो गई, कोई भगवान का भक्त वत्सलता का चरित्र सुनाइए। तब सुखदेव जी का स्मरण हुआ है, श्री सुदामा जी का स्मरण हुआ है, श्री सुखदेव जी को। सुदामा जी ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुष हैं कि भगवान भी इनका स्मरण करते हैं, भगवान भी चाहते हैं ऐसे महापुरुषों का चरण हमारी द्वारिका में पड़े। भागवत में दो अध्याय में सुदामा चरित्र विस्तार से, दसवें स्कंद के 80वें और 81वां अध्याय है, लेकिन कहीं सुदामा जी का नाम नहीं, सुशीला जी का नाम नहीं, ऐसे महापुरुष हैं। ये लोग कहते हैं चने खा लिए सुदामा जी ने भगवान के, ऐसे कर लिए, ये सब बकवास करते हैं, भागवत में ये बात नहीं है। सुदामा जी बड़े महापुरुष हैं, चोरी करके चने खा गए, दूसरे का हक खा गए, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो शिक्षा के लिए कोई महापुरुष लोग कोई बातें कहें, गुरुजनों की बात वो अलग है, लेकिन सुदामा जी का भागवत में इस प्रकार से नहीं। बहुत बड़े महापुरुष हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं कि उनका स्मरण आते ही सुखदेव जी उनका नाम लेना भूल गए, उनके गुणों में खो गए। श्री सुकुवाच कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। उनके गुणों में मकान है, जैसे कोई किसी का परिचय दे, उनको जानते हो तो पड़ोस के गांव में वो पंडित जी रहते हैं, उनको जानते हो क्या नाम है, अरे नहीं जानते तुम उनको, डॉक्टर कलाम के साथ वो पढ़े हुए हैं, राष्ट्रपति जी के साथ पढ़े हुए, नाम क्या है, अरे इतने ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, गृहस्थ में रहते हुए इतने बड़े महापुरुष हैं, क्या नाम है, अरे इतने त्यागी महापुरुष हैं, सारा संसार उनको जानता है, नाम क्या है, अरे भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, नाम क्या है, जितेंद्रिय महापुरुष हैं, जितेंद्रिय सबसे बड़ी उपाधि है मनुष्य के लिए। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। विरक्त है, प्रशांत आत्मा है, आत्मा राम है, जितेन्द्रिय है, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं, नाम तो बताओ, नाम लेना ही भूल गए, सुदामा जी का और सुशीला जी का नाम लेना ही, उनके गुणों में ही खो गए,
उनकी पत्नी का भी बखान ऐसे ही गुणों में कर दिया। पतिव्रता पतिम प्राहा म्यालताम बद्रे निसहा, बड़े पतिव्रता है, संसार की सर्वोच्च पतिव्रताओं में उनका नाम है भगवती सुशीला जी। ना तो सुशीला जी का नाम ले पाए ना सुदामा, उनके गुण ही बताते रहे, विशेषण ही बताते रहे, नाम लेना ही भूल गए। इतने सदगुणों से भरे हैं सुदामा जी, बहुत बड़े महापुरुष सुदामा जी। श्री सुदामा जी महाराज सांदीपनी आश्रम में पढ़ते हैं, भगवान के साथ खड़े हुए हैं। सांदीपनी बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। जब सांदीपनी जी अपने गुरु जी के यहां पढ़ते थे तो गुरु जी की आज्ञा पालन करने में सबसे आगे रहे। गुरु जी ने जो कह दिया वो किया, गुरु जी ने जो कह दिया वही किया। एक दिन गुरु जी ने कहा, बेटा सांदीपनी ये हमारी कुटिया में आग लगा दो। सांदीपनी का जो आज्ञा गुरु जी, और पत्थर लिया और उसको रगड़ा और आग लगा दी, रुई लगा दिया और सांदीपनी को छुपा दिया कि तुम जाकर उस कुटिया के पीछे छुप जाओ। बच्चों को बुलाया, अरे बच्चों इधर आओ, सारे छात्रों इधर आओ, खेल बंद करो, हमारी कुटिया में आग लग गई। बच्चे लगे छिपरा से जल लाने के लिए, जल ला ला के कुटिया बुझाने के लिए, बहुत मेहनत की तो कुटिया की आग बुझाई। और बच्चों की मीटिंग हुई शाम को हॉस्टल में कि कुटिया में आग लगी कैसे। तो एक दूर खेल रहा था बच्चा, उसने देख लिया, उसने कहा सांदीपनी ने आग लगाई, सांदीपनी ने आग लगाई। जाकर सांदीपनी को पकड़ लिया, उसको पीटने लगे, खूब लात घूंसे मारने लगे। गुरु जी आए, पता लगा, दौड़कर गुरु जी ने कहा छोड़ो छोड़ो क्या करते, छोड़ो। अरे ब्राह्मण बालक है, मर जाएगा, गलती हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी, तुम कौन हो सजा देने वाले, छोड़ो। गुरु जी ने छुड़ा दिया। सांदीपनी ने ये नहीं कहा, गुरु जी ने कहा था। एक बार गुरु जी ने कहा, बेटा सांदीपनी जी, गुरु जी हमारा बच्चा है ना, ये खेल रहा है ना गृहस्थ संत, तो हमारे बच्चे को कुएं में डाल दिया। गुरु जी ने कहा था, तो सांदीपनी ने उठाकर उस बच्चे को कुएं में डाल दिया। अब छिपा दिया सांदीपनी अपनी कुटिया में, और बच्चों से कहा, देखो देखो हमारा बालक कुएं में गिर गया, देखो उसको निकालो। तो छोटे बच्चे को लोगों ने निकाला, रस्सी रस्सी डालकर कुएं से रेस्क्यू किया, और उससे पूछा, बेटा तेरे किसने कुएं में डाला था? बोले मेरे को सांदीपनी भैया ने कुएं में डाला था। सब लगे पीटने सांदीपनी को, गुरु जी ने छुड़ाया, अरे ब्राह्मण बालक है, मर जाएगा, छोड़ो। चुपचाप सारी मार सहली, ऐसे अनेक बार हुआ, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि गुरु जी ने ही ऐसा कहा था। क्यों? मैं मार सह लूंगा, अपमान सह लूंगा, फजीती सह लूंगा, लेकिन गुरुजी की फजीती हो ये बर्दाश्त नहीं। मेरे को भले ही मार दें, लेकिन गुरुजी के लिए कोई एक शब्द न कहे कि ये कैसे महापुरुष हैं, गुरुजी की बुद्धि खराब है, इससे करवाते हैं और इसको पिटवाते हैं, खुद गुरुजी करवाते हैं इससे ऐसा उपद्रव। तो गुरुजी के लिए कोई निंदा न करे, ये गुरु भक्ति। अपराध अपने ऊपर ले लो कि मैंने अपनी गलती से लगाई आग, गुरुजी ने कहा था ऐसा नहीं। कभी गुरुजी का नाम नहीं लिया। गुरुजी ने हाथ फेरा, सारा शरीर उसका स्वस्थ हो गया। ऐसी सेवा करते रहे सांदीपनी जी, गुरुजी का हृदय जीत लिया, हृदय गुरुजी के मन के अनुकूल लीला करते, सेवा करते। अब एक दिन वो आया जो सांदीपनी जी के गुरुजी वृद्ध हो गए और नीचे लिटा दिया उनको, राम नाम सत्य होने वाला है। सारे शिष्य आ गए, कोई आचार्य हुआ, कोई राजा थे, कोई कुछ सब आ गए। गुरुजी किसी को अपने पुस्तक दे रहे हैं, किसी को भागवत जी दे रहे हैं, किसी को गीता दे रहे हैं, किसी को वेदांत दे रहे हैं, किसी को कोई प्रसाद दे रहे हैं, किसी को चरण पादुका दे रहे हैं, सबको गुरुजी कुछ ना कुछ दे रहे हैं। किसी को माला दे रहे हैं, किसी को वस्त्र दे रहे हैं, किसी को अपने ठाकुर जी दे रहे हैं, पूजा के लिए। सांदीपनी पीछे खड़े हैं, पांच लोग, इतना प्रेम है गुरु जी से, रो रहे हैं, गुरु जी चले जाएंगे। गुरु सांदीपनी को बुलाया, बेटा सांदीपनी इधर आ, और सिर पर हाथ रखा, बेटा तेरे को ये जड़ वस्तु क्या दूं मैं, आशीर्वाद में क्या दूं तेरे को, बात मत करो भाई, राणा जी बोलो इनको बात ना करें। गुरु जी ने कहा, सांदीपनी बेटा तेरे को ये जड़ वस्तु तो मैं क्या दूं, तेरे को मैं आशीर्वाद देता हूं, तूने ऐसी सेवा की है, ऐसी सेवा की है, किसी ने नहीं किया।
तेरे को ये जड़ वस्तु क्या दूं, तेरे को मैं आशीर्वाद देता हूं, जा साक्षात परब्रह्म परमात्मा त्रिलोकी नाथ एक दिन यही उज्जैन में तेरा शिष्य बनकर आएगा और तेरे को सारे त्रिलोकी में बहुत सम्मान प्रदान कराएगा, अपना गुरु बनाकर तेरे को जगत गुरु बना देगा। ये आशीर्वाद गुरु जी ने सांदीपनी को दिया था, उस महापुरुष के आशीर्वाद को सत्य करने के लिए भगवान स्वयं आए हैं, शिष्य बनकर इनके, और भगवान को जो रखा है वो सुदामा के कमरे में रखा है, रूममेट सुदामा है भगवान के, सुदामा पहले से, सुदामा इतने त्यागी इतने उच्च कोटि के महापुरुष, भगवान सोचते हैं सुदामा जैसा महापुरुष मेरी मथुरा में बस जाएगा तो पूरी मथुरा धन्य हो जाएगी। ब्रजमंडल में ऐसे संतों का अभाव है, ऐसे विरक्त, बचपन में इतना विरक्त, इतना त्यागी, इतना महापुरुष है, तो बड़ा होकर कैसा होगा ये? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान की हृदय में इमेज बन जाती है भक्तों की, इज्जत बन जाती है भक्तों की, भगवान हृदय देखते हैं। भगवान द्वारिका से, वहां से, उज्जैन से मथुरा आ गए, मथुरा में भी रह नहीं पाए, वहां से द्वारिका आने लगा, आना पड़ा, और द्वारिका में भी इतने बिजी की महाराज 100 वर्ष बीत गए, ना सुदामा आए दोबारा ना भगवान आए। सुदामा जी अपने कुटिया में रहते हैं, भगवान द्वारिका में रहते हैं, लेकिन भगवान याद करते हैं। कोई संत आता है द्वारिका में, कहते हैं रुक्मणी जी ये संत हैं, बहुत अच्छे हैं, दर्शन करो, चरणों तक लो इनका, लेकिन संत तो वास्तव में सुदामा है, संत तो वास्तव में सुदामा। रुक्मणी जी पूछती हैं सुदामा कौन है, कहती हैं क्या बताऊं, सुदामा ऐसा महापुरुष है, ऐसा महापुरुष है, बड़ा विरक्त है, बड़ा उच्च कोटि का, ऐसे अपरिग्रह, ऐसे निष्किंचन संतों की तो मैं चरण धुरी लेता हूं, निष्किंचना वयम सस्वत निष्किंचन जनप्रिय, ऐसे सुदामा जी। श्री रुक्मणी जी भगवान से सुदामा जी की बात पूछती, सत्यभामा जी की, कोई भी संत आता भगवान सुदामा से कंपेयर करते, कहते ठीक है ये संत हैं, अच्छे हैं, बाबा जी हैं, विद्वान हैं, मठाधीश हैं, अच्छे हैं, लेकिन संत तो, लेकिन क्या, लेकिन लेकिन संत तो सुदामा, संत तो सुदामा। द्वारिका वासियों को बड़ी जिज्ञासा हो गई, सुदामा चरित्र भगवान स्वयं सुनाते हैं भगवती रुक्मणी को, सत्यभामा को, सब सारी द्वारिका वासियों को, उनके मन में जिज्ञासा हो गई कि भाई भला सुदामा कैसा महापुरुष होगा जिसकी स्वयं श्री कृष्ण भी चर्चा करते हैं, कभी बुलाओ ना। भगवान ने कहा रुक्मणी ये बुलाने से नहीं आते ऐसे महापुरुष, ये तो इधर इच्छया घूमते घामते कभी आ जाएंगे अनु की तरफ, तो ठीक है खीर भी खिला देना तू, बाकी तो कोई उनको आकांक्षा होती नहीं। भगवान ने देखा कि सुदामा जी 100 वर्ष बीत गए और अब संसार से जाने वाले हैं, संसार से चले जाएंगे, और सुदामा जैसे महापुरुषों को संसार जानेगा नहीं, ऐसे महापुरुषों का चरित्र छुपा रह जाएगा, गोपनीय रह जाएगा, इनको प्रकट करना चाहिए, ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, एक लीला की, क्या लीला की, एक दिन वृद्ध सन्यासी का स्वरूप बनाकर भगवान सुदामा जी की कुटिया पर पहुंच गए, सुदामा जी की अनुपस्थिति में। उस समय सुदामा जी समुद्र स्नान करने गए, दोपहर का समय था, त्रिदंडी सन्यासी, वृद्ध सन्यासी, त्रिपुंड लगा हुआ है, रुद्राक्ष धारण किया है, दंड कमंडल धारण किए, भिक्षाम देही नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण। सुशीला जी अपनी झोंपड़ी में बैठी थी, माला जप रही थी, माला जप के पूरी करके आई बाहर लाठी लेकर, कौन है, देखा एक महापुरुष खड़े हैं तेजस्वी, तपस्या ही मूर्ति मंत्र रूप में आ गई है, प्रसन्न वदन कासाय वस्त्र धारण किए, त्रिपुंड विराज राय, रुद्राक्ष राजा, शिवस स्वरूप है साक्षात, लठिया फेंक कर, अपने डंडा फेंक कर प्रणाम किया, मस्ता टेक कर जमीन में चरण धुरी ली। सुशीला जी खड़ी हो गई एक खंबे को पकड़ के झोंपड़ी की और देख रही, ऊपर से नीचे तक दर्शन कर रही है स्वामी जी का, दर्शन करते करते रो पड़ी, सुशीला जी दर्शन करते करते रो पड़ी,
भगवान ने कहा मां मैं आया हूं भिक्षा लेने के लिए और तू रो रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों रो रही है, बता क्या दुख है, बता क्या दुख है, या क्या दुख है। देख मेरे पास सारी सिद्धियां हिमालय से आ रहा हूं, भगवान ने कहा क्या दुख है, पति का दुख है, धन का दुख है, पुत्र का दुख है, झुमका चाहिए बरेली वाला, बाटू बांध बांध, क्या चाहिए बता, क्या चाहिए, क्या चाहिए। वो रोई जा रही है सुशीला जी, रोई जा रही है, कुछ नहीं बोल रही, मैया क्या दुख है तेरे को, बताती क्यों नहीं, मैं भिक्षा लेने आया हूं तू रो रही है, अपने आंसू पहुंचकर खड़ी हो गई। बोले महाराज दुख मेरे को कोई दुख नहीं है। सुशीला जी कहती है मेरे तो कोई दुख है ही नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं है मेरे को, मन का वाणी का शरीर का आदि भौतिक आदि दैविक आदि तैविक आदि आध्यात्मिक, आई एम टोटली टेंशन फ्री, कोई दुख है नहीं मेरे को, कोई टेंशन है नहीं। भगवान ने कहा मैया तू ही मिले एक हमीरपुर में पूरी में जो कहती है मेरे कोई दुख नहीं, एक तू ही मिली, दूसरी तो कोई नहीं। जल्दी करो बात मत करो, पीछे बैठना है, 10-15 मिनट की कथा है बस, 10-15 मिनट भी नहीं बैठ सकते, कई लोग ऐसे होते हैं ना खुद सुनेंगे ना दूसरे को सुनने देंगे। तो सुशीला जी कहती है नाथ मेरे को कोई दुख नहीं, यही तो आश्चर्य है। भगवान ने कहा माता तू ही एक मिली है जो कहती है मेरे को कोई दुख नहीं, और मेरे को कोई मिला नहीं पूरे हमीरपुर में, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी राम का दास। कोई शरीर से दुखी है कोई मन से दुखी है, उसने निंदा कर दी उसने अपमान कर दिया उसने ऐसे बोल दिया, कोई धन के लिए चिंता करता है पैसा नहीं है पैसा नहीं है पैसा नहीं है, सब दुखी देखे मैंने एक तू ही देखी कहती है मेरे को कोई दुख नहीं है, मेरे को कोई दुख नहीं है, एक ही मिली तू नमूना मेरे को। अच्छा दुख नहीं तो रो क्यों रही है, भगवान ने पूछा दुख नहीं है माता तो रोती क्यों है। बोले प्रभु ना मेरे कोई कामना है ना दुख है, अरे मैं तो बहुत सुखी हूं, एक ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष मेरे को पति रूप में मिले, आप दुख की बात करते हैं, एक ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष मेरे को पति रूप में, जिनकी चरण लेते ही मैं कृतार्थ हो गए, जिनका दर्शन करते ही लोग कृतार्थ हो जाते हैं, लाखों स्त्रियों को यह सौभाग्य नहीं मिला जो सौभाग्य मेरे को मिला है, एक ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष, एक भगवत प्राप्त महापुरुष, एक विरक्त महापुरुष, त्रिगुणातीत महापुरुष, उनकी चरण सेवा करने का उनकी दासी बनने का सौभाग्य मेरे को भगवान ने दिया है, मेरा सौभाग्य संसार में किसी स्त्री से तुलना कर नहीं सकते, ऐसा सौभाग्य मेरा, मेरे कोई दुख है ही नहीं, तो रो क्यों रही थी, रोई क्यों। सुशीला जी ने कहा कि प्रभु बस दुख है तो एक ही है, एक तो है ना, आगे बात क्या दुख है। बोले एक दुख है कि घर में आप जैसे महापुरुष आ जाए तो इन महापुरुषों की चरण धोवन मेरे घर में नहीं गिरती, उनका तीर्थ मेरे घर में नहीं जाता, उन महापुरुषों का जूठा प्रसाद जूठे कण मेरे घर में बिखरते नहीं, महापुरुषों के चरणों तक मेरे घर में गिरे, महापुरुषों का जूठन मेरे घर में गिरे, महापुरुषों की चरण रज मेरे घर में फैले, ये कामना मैं करती हूं लेकिन ये संयोग मेरे को मिल नहीं पाता। अच्छा ये इच्छा है आपकी? बोले हाँ, संतों की सेवा करने की इच्छा है और कोई इच्छा नहीं।
बस केवल संत सेवा की इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं, दूसरी कोई इच्छा नहीं। भगवान ने कहा चलो, ये इच्छा तो बांधने वाली नहीं है, मुक्त करने वाली है। परोपकार की इच्छा वो इच्छा नहीं है, वो आवश्यकता है। अच्छा, तुम चाहती हो ऐसा कि संत घर में भोजन करें, भात खाएं, लोग आकर अणु वाले, ऐसे चाहती हो? बोले प्रभु, कौन स्त्री नहीं चाहेगी कि मेरे घर में संतों की जूठन गिरे, संतों का चरणों तक गिरे? कौन स्त्री होगी? सभी सौभाग्यवती स्त्रियां चाहती हैं अच्छे घरों की, कि हमारे घर में संतों की जूठन गिरे, ब्राह्मणों का चरणों तक गिरे। सभी स्त्रियां चाहती हैं संत सेवा हो, ब्राह्मण सेवा हो, दीन दुखी की सेवा हो, परोपकार हो, लेकिन हमको ये नसीब नहीं हो पाता, बस यही दुख है। भगवान ने कहा चाहते हो? बोले बिल्कुल चाहते हैं। अच्छा, ऐसा करो, एक बार आपके पतिदेव को द्वारिका भेज दो, फिर खूब रोज भंडारे करना, रोज प्रसाद करना, रोज आप गौशाला चलाओ, गौशाला खोलो, रोज कन्यादान करो, कितना ही आप परोपकार करो, कभी धन घटेगा नहीं। एक बार आप द्वारिका भेज दो अपने पतिदेव को। सुशीला जी ने कहा प्रभु, यही तो प्रॉब्लम है स्वामी जी, मेरे पति कहीं जाते नहीं और किसी से मांगने का तो सवाल है ही नहीं, जीवन में हाथ ऐसा किया नहीं कभी। भगवान जो सन्यासी रूप में आए थे, उन्होंने कहा कि अरे माता, मांगने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी जो बात है वो प्रभु तक पहुंच गई है, प्रभु से मांगना नहीं पड़ता, प्रभु से मांगते हैं वो तो नादान है, बस शरण में रहे, बिना मांगे ही वो सब कुछ देता है। तो एक बार आप पतिदेव को द्वारिका भेज दो। ये कहकर भगवान ने देखा सुदामा जी आने वाले हैं, कहा अच्छा माता, मैं चलता हूँ भिक्षा करनी है। बोले ऐसे मत जाओ। सुशीला जी ने एक तुलसी का पत्र दिया, ठंडा जल दिया घड़े का, भगवान ने तुलसी पत्र पाकर जल पीकर ऐसा अनुभव किया कि सबरी के बेर खिलाने के बाद आज जल पिलाया है किसी ने, और भगवान वहां से चले गए। भगवान के जाते ही वहां से, और इधर अंतर्धान होते ही सुदामा जी आए, सुदामा जी को बिठाया है सुशीला जी ने और चरणों तक लिया, सुदामा जी का पैर धुलाए हैं और चरणों तक लिया। शिव पुराण का श्लोक है, पति चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो स्त्री परमात्मा मानकर पति का चरणोदक लेती है, उसका कभी पति सहित पुनर्जन्म नहीं होता, पति सहित वो वैकुंठ में जाता है। पति का चरणोदक लेती, कितना सरल भक्ति है माताओं के लिए, पति व्रताओं के लिए कितना सरल भक्ति। पति को परमात्मा मानकर मन वचन कर्म से अपने धर्म का पालन करे, बस ना गुरु बनाने की आवश्यकता उसको, ना तीर्थ जाने की आवश्यकता उसको, ना उसको और कोई धर्म कर्म दान करने की आवश्यकता है, तो करे, बाकी आवश्यकता नहीं है। पहला धर्म उसका ही है पातिव्रत, पति को परमेश्वर माने, उसका चरणोदक, रोज उसका चरण धोकर भी, रोज चरण धोकर। कोई कर सकता है? कई तो ऐसी होंगी कहेंगे मेरा चरण धो दो, मैं भी कम थोड़ी हूं, बड़े बाप के बेटे हूं, और जमाना बदल गया समझे। सुदामा जी जब बैठ गए स्वस्थ होकर, सुशीला जी ने पूछा, नाथ एक बात पूछूं? पूछो सुशीले, आपने विद्या अध्ययन कहां किया है, आप कहां पढ़े? देवी में उज्जैन में पढ़ा हूं। तो आपके साथ कोई महापुरुष कौन कौन से पढ़ते थे? बोले देवी सारे महापुरुष थे, मैं ही एक दरिद्र दीन दुखी था, मैं ही एक नीच था। महापुरुष अपने को छोटा मानते हैं, सबसे नीचा मानते हैं, मैं ही एक छोटा था, बाकी सारे महापुरुष थे। नहीं नहीं, कोई अवतारी महापुरुष, तू किसकी बात कर रही है? क्या सुशीला ने पूछा, क्या क्या द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके साथ पढ़ते थे? द्वारिकाधीश का स्मरण आते ही आंखों से छल छल आंसू बहने लगे प्रेम के सुदामा जी। वो सारी पिक्चर रिवर्स हो गई था जो गुरुकुल में देखी, वो स्मृति में आ गए सारी बात। सुशीला, मेरे मित्र मैं कैसे कह सकता हूँ, मेरे सहपाठी, मेरे क्लास फेलो कैसे कह सकता हूँ? अरे ये तो गुरु की कृपा थी, बिना साधना के गोविंद की प्राप्ति करा दी थी, बिना साधना के समर्थ गुरु गोविंद से मिला देते हैं शिष्य को, गुरु गोविंद दोनों खड़े हो जाते हैं। समर्थ सदगुरु की कृपा था। देवी मैं कहां मैं
नीच और कहां त्रिलोकीनाथ परमात्मा, कैसी मित्रता देवी, तेरे को किसने बोला कैसी मित्रता। नाथ फिर आप एक बार द्वारिका, ये कभी मत बोलना मैं द्वारिका जाऊंगा। क्यों सुशीले, मैं उनका स्वभाव समझता हूं, वो हम जैसों को भक्त मानते हैं और भक्त वत्सल हैं, वो सारा काम छोड़ के मेरी सेवा में लग जाएंगे। जब गुरुकुल में ही नहीं छोड़ते थे, मैं भोजन करके निवृत्त नहीं हो पाता और मेरी थाली खींच लेते, मेरा पप्पर खींच लेते भोजन का, साफ करके ले आते। मैं स्नान करके निवृत्त नहीं हो पाता, मेरी धोती खींच के ले जाते और धोकर चिपरा जी से सुखा कर तह करके बुढ़िया लग देते। मैं सुबह जाग नहीं पाता, उसके पहले घर में झाड़ू बुहाड़ू लगा कर साफ साफ कर देते। कहां तक कहूं, मैं अस्वस्थ हुआ तो मेरा मलमूत्र भी श्री कृष्ण ने साफ किया है। ऐसे भक्त वत्सल है सुशीला। मैं रोकता, बोले आप क्यों कराते थे उनसे, मैं क्या करूं। मैं रोकता तो कहते, अरे आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का कर्तव्य है ब्राह्मण की सेवा करना, आप रोक नहीं सकते, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरा मौलिक अधिकार है ब्राह्मण की सेवा करना, हम क्षत्रियों का अधिकार है। जबरदस्ती मेरी सेवा करते, अपने को क्षत्रिय बालक मानकर मेरे को बुला देते। सुशीला मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा, तू कभी मत ऐसा कहना। हजारों लोगों को, हजारों भक्तों को मेरे कारण से बाधा लग जाएगी, श्री कृष्ण सब छोड़ के मेरी सेवा में लग जाएंगे। लेकिन सुशीला ने तो हट कर लिया, बहुत दिन रोज रोज हट करती। सुदामा जी ने सोचा, चलो यही परमो लाभ है उत्तम श्लोक दर्शनम, यही परम लाभ है जीवन का उत्तम श्लोक, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, इसी बहाने से चलो चलते। पत्नी अगर भगवान के दर्शन की बात कह रही है तो ये बात मान लेना चाहिए, पत्नी अगर सत्संग की बात कह रही है तो मान लेना चाहिए। पत्नी कह रही है, पति कह रहा है, बेटा कह रहा है, कोई कह रहा है कि सत्संग में चलो, वह बात मान लो। गौशाला चलो, वह बात मान लो। किसी महापुरुष की कुटिया पे जाओ संडे के दिन बच्चों को लेकर, वो बात मान लो। बच्चों में ऐसे संस्कार पड़ते हैं, ऐसे संस्कार पड़ते हैं, नहीं तो महाराज संस्कार नहीं बच्चों में, सत्संग में बैठने को बच्चे तैयार नहीं है, तैयार नहीं। कोई कोई पापी आ भी जाता है थोड़ी देर खड़ा होकर फिर भाग जाता है, बैठ नहीं सकता दो मिनट, क्योंकि माता पिता ने बचपन से संस्कार डाले ही नहीं। सत्संग में कभी लाते नहीं उनको। तो सुशीला, हजारों भक्तों को बाधा लगेगी मेरे कारण से, श्री कृष्ण मेरी सेवा में लग जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला जी ने जबरदस्ती किया तो सुदामा जी ने आखिरी बहाना बनाया, अच्छा फिर क्या लेके जाऊं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मित्र के पास जाओ, मैं तो मित्र नहीं मानता, जगतपति है साक्षात, तो मित्र के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, बहन बेटी के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ, संतों के पास जाओ, ठाकुर जी के मंदिर में जाके आओ, एक ना फूल तो कम से कम एक ले जाओ, एक तुलसी का पत्र भी ले जाओ, लेकिन रिक्त पानी में गच्छे, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मैं क्या लेके जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या लेके जाऊंगा। सुशीला जी ने कहा, उसका इंतजाम मैं करती हूँ। आज पहली बार सुशीला जी मांगने के लिए निकली, पहली बार झोली फैलाई सुशीला जी ने, चार घरों से, बड़े घरों में तो मना ही कर दिया, दरवाजे नहीं खोला, बड़ी बड़ी कोठी वाली में दरवाजे नहीं खोला, राम प्यारी श्याम प्यारी ने चिवड़ा थे वो एक एक मुट्ठी दे दिया, वो लेकर आ गए, उसको धोया है और उसको धोकर सुखाया है और सुखाकर थोड़ा सा भूना है तवा पर नमक वगैरह लगाकर, और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर, आंचल फाड़ कर सुशीला जी ने उसमें बांध कर दे दिया। सुशीला जी ने बांध कर दे दिया, जल्दी बंद करो इसको, डिपार्टमेंट अलग रखना चाहिए ना खाने पीने, आप लोगों में कॉमन सेंस तो है नहीं, मैं बोलता हूं तो बुरा मानते हो, भगवान ने खोपड़ी तो दी नहीं, खोपड़ी सारी बीवी को दे दी जितनी थी। तो नारायण सुशीला जी ने अपने पल्लू में फाड़ कर, आंचल फाड़ कर, बिचारी ने अपनी फटी हुई एक साड़ी थी और तो कुछ था नहीं, उसमें पोटली बांध कर दी,
सुदामा जी को। सुदामा जी ने कहा ये क्या है, बस खोल के मत देखो आप ले जाओ, वो तो भक्त वत्सल है, प्रभु भाव भोगता है। सुदामा जी चल पड़े, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते हरे राम कृष्णा, चले श्याम सुंदर। दो मिनट, 5-10 मिनट का दुख और है आप लोगों को, तो भात तो तैयार हो रहे, जब तक पानी भी आ गया। फंक्शन मत बनाओ सत्संग को, फॉर्मेलिटी के लिए मत आओ, फॉर्मेलिटी पीछे जितने बैठे अधिकांश फॉर्मेलिटी वाले हैं, फॉर्मेलिटी चलो बुलाया है 1 घंटे को चलेंगे, 1 दिन को चलेंगे, ऐसा मत करो। सत्संग का इज्जत करो, सम्मान करो, बेइज्जती मत करो, बिल्कुल डिस्टर्ब रहित होकर सत्संग सुनो, सुनाओ सबको, ऐसा भाव। भगवान ने आपको मनुष्य बनाया है, सामर्थ्य दी है, ऐसी व्यवस्था करो आगे से कि ऐसे सत्संग हो, बिल्कुल प्रेम से सब सुने। उसको फंक्शन बना लिया, खाने पीने में लग गए, इसमें लग गए, व्यवहार में लग गए, लेन देन में लग गए, क्या है ये, बहुत बेइज्जती है सत्संग की। तो नारायण सुशीला जी का दिया हुआ वो पोटली लेकर सुदामा जी चल पड़े, चलते चलते सुदामा जी नगर के बाहर आए। कई बरसों से अन्न का दाना नहीं खाया था इस महापुरुष ने, अन्न का दाना नहीं खाया था, कभी कुछ बेर रख देते हैं सुशीला जी कि ठाकुर जी का भोग लगा देंगे, मेरे स्वामी पूजा करके उठेंगे, लेकिन स्वामी जी तो पूजा करते करते समाधिस्थ हो गए, ध्यानस्थ हो गए। 3 दिन बीत गए, शाम को सुशीला जी ने वो बेर उठाए और खिला दिए पक्षियों को, भगवान का भोग लगा। पति ने नहीं खाया तो खुद कैसे खाऊंगा, कभी पालक के पत्ते उबाल के रखे। सुदामा जी समाधिस्थ हो गए, सुशीला जी स्वयं भगवान का भोग लगा के उसको भोग माता को खिला देती, पति नहीं खाएगा तो पत्नी कैसे खाएगी, पतिव्रता है, बड़ा कठिन धर्म है पतिव्रता का। बहुत दिनों के अन्न का जल भी दाना भी नहीं लिया था, गिर पड़े बेहोश होकर, बेहोश होकर गिर पड़े पड़े। भगवान के कैमरे अपने भक्तों के ऊपर लगे रहते हैं, जहां जहां भक्त जाते हैं वहां उनके कैमरे लगे हुए हैं भगवान का। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, योग माया जाओ एक संत की सेवा करके अपने आप को धन्य करो, क्या आज्ञा है प्रभु। सुदामा जी को वहां से लाकर और मेरे दरबारी पे बिठा दिया। श्री योग माया भगवती गई, सुदामा को वहां से उठाया और भगवान के दरवाजे पर लाकर बिठा दिया। सुदामा जी की नींद खुली, जैसे देखा, देखते ही बड़े आश्चर्य से भर गए, मैं कहां आ गया, ये कौन सी नगरी है, कौन सा लोक है, वो लोक तो पृथ्वी लोक है, नगरी द्वारिका नगरी, अरे द्वारिका नगरी में आ गया, द्वारिका नगरी पहुंच गया, तो फिर भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान कौन सा है, बोले सारे श्री कृष्ण के निवास स्थान है ये, और एक भी नहीं है। क्या मतलब, बोले ये रुक्मणी महल है, वो सप्तभामा महल है, वो जामवती महल है, अपने लिए कुछ नहीं बनाते हो, सब भक्तों के लिए बनाते हैं भगवान, अपने तो क्षीर सागर में सोते रहते हैं, ऐसे ही इनके मित्र हैं वो कैलाश में बैठे रहते हैं, वटवृक्ष के नीचे शमशान में, और ये क्षीर सागर में रहते हैं, असली इनका हेडक्वार्टर तो क्षीर सागर है। ये द्वारिका तो भक्तों के लिए बनाई है, वैकुंठ भक्तों के लिए बनाया है, गोलोक आदि सब भक्तों के लिए बनाया है, अपने लिए कुछ नहीं करते। अच्छा ये रुक्मणी महल है, हाँ प्रभु, तो मैंने नारद जी से सुना है कि रुक्मणी जी तो भगवती रुक्मणी बड़ी रानी है, रुक्मणी के महल में भगवान होते हैं, चलो भगवती रुक्मणी का भी दर्शन हो जाएगा और भगवान का भी दर्शन हो जाएगा। सुदामा जी चल पड़े, 6 देवड़ियां पार करने, किसी ने रोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने उनका आई कार्ड नहीं मांगा, किसी ने कुछ नहीं,
क्योंकि भगवान की आज्ञा थी कि आधी रात में भी कोई भी आ जाए हमसे मिलने के लिए, प्रजा में कोई भी दुखी आ जाए, दरिद्र आ जाए, संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, कोई बहन बेटी आ जाए, विधवा आ जाए, 24 घंटे हमारा दरवाजा खुला है, कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेकर आ सकता है, सदा ही खुला है। बड़े लोग ये होते हैं असली, जो छोटों का ध्यान रखते हैं वह बड़े होते हैं। सातवें दरवाजे पर द्वारपालों ने कहा कि प्रभु हम रोकेंगे नहीं आपको, लेकिन हम अभी अभी प्रभु आए हैं भोजन के लिए, हम देख लेते हैं, भोजन कर लिया तो सीधा आपको भगवान के पास ले जाएंगे, क्योंकि आपकी अवस्था ऐसी है कि अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते आप, बहुत थके हुए हैं, बहुत जोर से आए, और अगर प्रभु ने भोजन नहीं किया तो आपको फिर हम बिठाएंगे, डाइनिंग रूम में ले जाएंगे, बिठाएंगे, स्वागत करेंगे, जलपान कराएंगे। सुदामा जी ने कहा कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। द्वारपाल ने कहा क्योंकि प्रभु की तो आज्ञा है कि किसी भी समय मेरे पास किसी को भी ले आओ, लेकिन भगवती रुक्मणी जी ने कहा कि अरे कम से कम भोजन के समय तो मत लाया करो, मेरे नाथ 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, और भोजन के समय कोई आ जाता है तो अपनी थाली तो दासी को कहा बहन जय श्री कृष्ण, हरिओम जय श्री कृष्ण, प्रभु ने भोग आरोग लिया क्या, भोजन कर लिया क्या, हाँ कर लिया। भगवान के कान में द्वारपाल की आवाज पड़ गई, द्वारपाल कम हियर, द्वारपाल आया, प्रणाम करने लगा, उसको बिठा लिया अपने पास, वो बेचारा संकोच में गड़ गया, अरे बैठो मेरे पास बैठो, क्या बात है, बस देखने आया था प्रभु आपने भोजन, हाँ मैंने भोजन कर लिया, रुक्मणी इनको भी भोजन कराओ, द्वारपाल जी को भोजन कराओ, नहीं प्रभु मैंने भोजन कर लिया, क्या बात है, आपको वेतन ठीक से मिलता है, सब बच्चे ठीक हैं, आपके माता पिता ठीक हैं, ऐसे भगवान उससे पूछने लगे कुछ लात उसकी, प्रभु सब ठीक है तो बताइए क्या बात है, कोई समस्या है, बोले समस्या नहीं प्रभु, मैं आया था इसलिए कि देखने के लिए आया था आपने भोजन कर लिया कि हाँ कर लिया, क्यों एक वृद्ध ब्राह्मण आए हैं तो रोका के उनको लेकर आओ, सुनो कहां से आए हैं, बोले प्रभु कहां से आए हैं कुछ पता नहीं, जानबूझ कर पूछ रहे हैं भगवान कहां से आए हैं, अच्छा क्या पहने हैं, पहने का क्या है प्रभु, शरीर पर पगा नहीं है, सिर पर पगा नहीं है, शरीर पर जगह नहीं है, शीश पगा न जगा तन पर, जाने को आ ही बसे कहीं गाँव, धोती पटी सी लपटी सी, एक इतनी सी धोती लंगोट की तरह लपेटे हुए हैं बस, और कुछ नहीं उनके शरीर पर, और कुछ चीज उनके शरीर पर नहीं, भगवान ने कहा अच्छा कुछ नाम बताया, बोले प्रभु नाम तो शायद सु बोल पाया, क्या सुदामा जी आए हैं, क्या हम तो सुदामा जी आए, तुम बोलते क्यों नहीं इतने एक घंटे से दुनिया की बात करते हो, सीधा बोलने के सुदामा जी आए, और भगवान कूदे सिंहासन से और दौड़ते जा रहे हैं, कहीं भगवान का मुकुट गिरा, कहीं पीतांबर गिरा, रानियां पीछे दौड़ रही, आज कौन आ गया जिसके लिए प्रभु दौड़ रहे, सारा महल दौड़ते दौड़ते एक मिनट में क्रॉस करके भगवान गए सुदामा जी के पास, और सुदामा जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया है, देवताओं की धुंधली बजी है, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, उठा लिया सुदामा को जैसे बूढ़े कोई बाबा को दादा को कोई बच्चा उठा ले जवान, ऐसे उठा लिया गोदी में, और हड्डी हड्डी निकल रही है सुदामा की, बड़ी विरक्त महापुरुष ने लाकर सिंहासन पर बिठाया, रुक्मणी जल लेकर आओ, एक महापुरुष का चरणोदक लेकर हम आज धन्य हो जाएंगे, जल लेकर आओ, रुक्मणी जी जल लेने गई, तब तक भगवान की दृष्टि सुदामा के चरणों पर पड़ गई, आहा ऐसे बेहाल रिवाई सुदामा जी के कांटे लगे हैं, कांच के टुकड़े लगे हुए हैं, लकड़ी फंसी हुई है, कंकड़ फंसे हुए, बीमारियों फटी हुई है, बीमारियों के बीच में दरारों के बीच में कंकड़, हाथ से नहीं निकले भगवान निकालने लगे तो भगवान लेटकर नीचे सिंहासन के नीचे लेटकर अपने दांतों से सुदामा जी के कांटे निकाल रहे हैं, उनकी चरणों तक भी ले रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे, दूसरे का दुख देखकर दुखी हो जाना यही तो महानता है, यही तो श्रेष्ठता है। रुक्मणी जी जल लेकर आई, तो सुदामा जी भगवान ने चरण धुलाए, चरणोदक लिया है, थोड़ा
सुदामा जी को भोजन कराया है, विश्राम कराया है, और विश्राम करा के भगवान चरण दबाने लगे हैं। सुदामा जी के चरण दबाते दबाते भगवान ने सारी करुणा छा गई है द्वारिका में। ऐसा कौन महापुरुष आया है जिसके भगवान चरण दबा रहे हैं? ना भगवान आज किसी से मिलते, ना राज सभा में आते, ऐसा कौन महापुरुष आया है उसी की सेवा में लगे। कौन आया है? सारे द्वारिका में हल्ला मच गया। कौन आया है? भगवान जिसकी सेवा में लगे हैं, भगवान जिससे सत्संग कर रहे हैं। कौन आया है? चलो चलो देखें कौन आया है, कौन आया है, कौन आया है? संत के पास आकर भगवान बैठ गए। फिर अणु वालों को तो टाइम मिलता ही नहीं। भाव प्रभु का स्वभाव मैं जानता था, लेकिन सुशीला तो पीछे ही पड़ गई। स्त्री स्वभाव से वो पीछे ही पड़ गई, मेरे को भेज दिया, और देखो अब मेरे जैसे पापी का चरण प्रभु धो रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। भगवान ने कहा, सुदामा जी अब खिला कर फिर भगवान खाना चाहते हैं। सुदामा जी हमारे लिए कुछ प्रसाद माताजी ने दिया है। सुदामा जी ने कहा, प्रभु हमारे पास क्या है आपके लायक? नहीं लायक और ना लायक नहीं पूछता मैं, कुछ लाए हो हमारे लिए कि नहीं? सुदामा जी चुपचाप हो गए। फिर भगवान ने पूछा, सुदामा जी हमारे लिए कुछ लाए हो? सुदामा जी कुछ नहीं बोले। सुदामा मैं पूछ रहा हूं कि मेरे लिए कुछ लाए हो क्या? जोर से बोले भगवान। सुदामा जी ने बात बदल दी। सुदामा जी ने कहा, प्रभु हमारे गुरु जी कितने अच्छे थे, संदीपनी जी कैसे महापुरुष थे। एक बार बाढ़ आ गई, हम लोग छिपरा के उस पार फंस गए, नाव ले बदल दी। देखो गुरु माता हमारी कितनी महान थी बेचारी, अपने बच्चों से पहले हमको खिलाती थी, आपको याद है? हम बीमार पड़ जाते अपने हाथ से काढ़ा बना कर देती, अपनी सेवा करती, आपको याद है? भगवान ने कहा, वो महान नारियों का स्वभाव ऐसे ही होता है, वो कोई बात नहीं, उनकी छोड़ो, वो सब वो अणु वाली सभी महान होती, उनकी बात छोड़ो, आप लेकर के आए आए हमारे लिए बताओ। भगवान पीछे ही पड़ गए। सुदामा ने तो दे दिए, देवी ने, सुशीला ने अपने भाव से भोली भाली है, लेकिन मेरा विवेक ये कहता है, उसका भाव कहता है भगवान के योग्य है, मेरा विवेक कहता है कि भगवान के योग्य नहीं। सड़े हुए चीज किसी को देना, अरे दो तो अच्छी सी दो, प्रभु का पेट खराब हो जाएगा, ये तो भाव से खा जाएंगे, मैं जानता हूं ये भाव देखते हैं, लेकिन इनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इसलिए सुदामा जी दे नहीं। भगवान बार बार मांग रहे हैं। फिर भगवान ने देख लिया, सुदामा जी आप ये बार बार ये क्या दबा रहे हैं यहां? क्या है ये? क्या है ये हाथ के नीचे? क्या क्या? अरे जहां दर्द है वहां दबाना चाहिए। और भगवान कूद के सिंहासन से इस तरफ आए, हाथ दबाने लगे। नहीं 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 प्रभु कुछ नहीं, नहीं, अरे मैं ठीक कर दूंगा। सत्यभामा थोड़ा तेल लाओ गरम करके। तेल लाई सरसों का, तेल मलते मलते दबाते दबाते, और भगवान ने उसी दबाते दबाते उसी क्रम में टटोल लिया कि माल कहाँ है, रेकी कर ली, जैसे जेब कतरा देख लेता है कि बटुआ कहाँ है, देख लिया भगवान ने कहा है। फिर हाथ नीचे ले आए, फिर ऊपर ले आए, और सुदामा जी को कॉन्फिडेंस में ले लिया कि चोरी नहीं करेंगे, दबाए लेंगे नहीं, सीनेंगे नहीं, दबाए। सुदामा जी की दृष्टि रानियों की तरफ पड़ गई। भगवान परिचय करा रहे हैं, कह रहे महाराज इनको भी, और वहां दोनों लोक परलोक दोनों में सुदामा जैसा कोई नहीं होगा, ये संकल्प कर लिया भगवान ने। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, खा तो रहे हैं ये, लेकिन इनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, पत्नी है ना। दूसरा पड़ा, एक एक कण का सबने लिया है, और उसके बाद फिर प्रातः धोके भगवान ने अपने हाथ से दे दी थी। सुदामा जी ने भगवान के कपड़े उतार दिए, ये सारा पाकर जो हीरे जड़े हुए सोने के चांदी के बटन लगे, वो आज सुदामा जी ने उतार दिए, और अपनी फटी हुई धोती धोकर जो भगवान ने दी वो पहन ली। आगे अब रुक्मणी जी को बहुत बुरा लगे, इसी पक्ष में नहीं कि सुदामा जी जाएं। सुदामा जी आ गए तो अब मैं जीवन भर सेवा करूंगी, वृद्ध महापुरुष कितने। लेकिन भगवान ने रोका नहीं, लोगों के सामने, पर पुरुषों के सामने पति को कैसे टोकें? तो रुक्मणी जी टोक भी नहीं पा रहे हैं, टोका भी नहीं, और भगवान एकांत पाकर टूट पड़ी भगवान के ऊपर, बहुत गुस्सा हुआ। अरे
आपका कैसा स्वभाव है? क्यों जाने दिया? क्यों जाने दिया? आपने जाने क्यों दिया? अरे हमारे पास क्या कमी थी? एक एक दिन एक घर में जन्म पड़ते हम धन्य हो जाते। क्या कमी थी? क्यों जाने दिया? विकार है आपको। अरे कुछ दिया नहीं तो दिया नहीं, वस्त्र भी ले लिया आपने दिए नहीं। सुखदेव भी आ गए, आकर सब खड़े हुए उठ गए। राजा ने चरण धुलाए और पूजा की है, चरणों तक लिया है। वाह वाह महाराज, आज मैं धन्य हो गया, आज मैं धन्य हो गया। ऐसे संतों का स्मरण से घर पवित्र हो जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है। उनका दर्शन मिल जाए, उनका चरणों तक मिल जाए, वो हमारी आसन स्वीकार कर ले, एक से एक बढ़कर कृपा है। तुमको पाया सब पाया अपने ही कोई अभिमानी। जय जय दीनानाथ हरे भगवान, जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगो, बंसुरी वाला दूर करे। हरिओ जय जगदीश हरे, जो जावे तन पावे दुख मिन से मन का। प्रभु की दुख मिन से मन का, सुख सम्मति घर आवे, सर्व सम्मति घर आवे। कष्ट के तन करियो जय राधा कृष्ण। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ू मैं किसकी। प्रभु जी शरण पढ़ू मैं किसकी, और न दूजा। प्रभु बिना और न दूजा, आस करू मैं जिसकी। हरिओ जय जगदीश हरे, तुम पूरण परमात्मा तुम अंतरयामी। प्रभु जी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, प्रभु सबके स्वामी। हरिओ जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पार। महिमा तेरी कैसे करुण भर, हरि बोल बोल बोल, हरि बोल बोल बोल, हरि बोल बोल बोल, हरि बोल बोल बोल। तुमको पाया सब पाया अपने ही कोई अभिलाषा। तुमको पाया सब पाया अपने ही कोई अभिलाषा। तुमको पाया सब पाया अब इस नश्वर जग से क्या पाया, हर कोई जाए क्या सा। इस नश्वर आया मन का तेरी शरण में आया मन, सीता रो भगवान। हरि बोल बोल बोल, हरि बोल बोल बोल, हरि बोल बोल बोल, हरि बोल बोल बोल। हम तो बालक तेरे भगवन, हम तो बालक तेरे भगवन, तुम हो कृपानिधान। भगवान जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगो, बंसुरी वाला दूर करे। हरिओ जय जगदीश।
फल पावे दुख बिन से मन का दुख बिन से मन का सुख सम्मति घर आवे सर्व सम्मति घर आवे कार्यो जय राधा कृष्ण मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ू मैं किसकी प्रभु जी शरण पढ़ू मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करो जगदीश भरे तुम पूरण परमात्मा तुम अंतरयामी प्रभु जी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु सबके स्वामी कृपा करो वरदायो जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर जय जगदीश हरे किसे अंगीकारो जय जगदीश हरे तन मन धन सब है प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी रटत हरो हर स्वामी भगवान चित फल पावे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय राधे श्याम भगवान जय 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 जगदीश हरे त्वमेव मातः पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रवणं त्वमेव बालकित शेखराय दिव्यम्बराय दिगम्बराय नमो शिवाय पुष्पाजलि वयदत्त गृहाणं परमेश्वर पुष्पाजलि समर्प्य धर्म की जय हो धर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो भागवत महापुराण की जय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव
ਕਿਹਦੀ ਖਬਰ?